वेलकम बैक टू रमीज किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल एक डिज़र्ट लाई हूँ और ये डिज़र्ट का नाम है पेठे का हलवा, पम्पकिन का हलवा। येस यू हर्ड इट राइट। ये डिश मेरी दादी जी बनाया करती थी और ये मेरी चाची जी की ये बहुत ही फेमस डिश थी। बहुत ही सिंपल बनती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही सिंपल हलवा है, इसके लिए मैंने पम्पकिन लिया है। ये पम्पकिन येलो वाला है क्योंकि मुझे अभी ऑरेंज वाला मिला नहीं था, राइप वाला, तो आज मैं इसी से बनाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिएगा इलायची पाउडर, चीनी, देसी घी और आमंड्स अगर आप डालना चाहें तो। आइए शुरू करते हैं। ये डिश बहुत ही सिंपल है, आप इसमें बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाऊंगी। हमारा पैन गरम है और क्योंकि मैं सिर्फ ये दो जनों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा सा पम्पकिन लिया है। और साथ ही में चीनी आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिए और इसको स्लो फ्लेम पे पकने दीजिए। चीनी अपने आप अपना पानी छोड़ेगी और पम्पकिन पानी छोड़ेगा जिससे ये गल जाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको ढककर पकने देंगे। तो अब मैं आपको मिलूंगी 10 मिनट बाद। हमें 10 मिनट हो गए हैं और हमारा पम्पकिन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, पर क्योंकि चीनी के साथ था ये काफ़ी थिक हो गया है। इस पॉइंट पे हम थोड़ा पानी डाल के इसको पकाएंगे। आप चाहें तो आप इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, पर मैं इसको स्लो फ्लेम पर ही बनाऊंगी। अब फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा पम्पकिन जो है काफ़ी मैश हो गया है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और घी। घी आपने ज़्यादा लेना है क्योंकि चाची जी हमेशा कहती थी जो करे क्यों ना माँ करे ना प्यो। तो जितना आपका घी होगा उतना ही फ्लेवरसम आपका हलवा रहेगा। अब आप इसको फिर थोड़ा पकने दीजिए, ये अच्छे से ब्राउन होना चालू हो जाएगा। पर अगर ये ऑरेंज वाला पम्पकिन होता तो इसका कलर और अच्छा आता। हम इसको थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। देखिए हमारा पेठे का हलवा इज ऑलमोस्ट रेडी। नीचे से हल्का चिपकना चालू हो गया है और साथ में घी जो है ये एक्स्ट्रा सारा बाहर छूट रहा है। इसका मतलब हम और दो चार मिनट इसको और भूनेंगे और ये रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें इस पॉइंट पे अब ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही पसंद करती हूँ। हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, आइए अब इसे हम डिश आउट करेंगे। इस हलवे को खाने का मज़ा है सिर्फ और सिर्फ मलाई के साथ, जिस तरीके से मेरी दादी जी हमें खिलाती थी। तो आप एक चम्मच भर के गरम गरम हलवे पर मलाई डालिए और इसे आप खाइए। सो गरम हलवा और फ्रेश मलाई, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज ट्राई इट एट होम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।